बीए सेकंड ईयर में अध्ययनरत सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम महाकवि देव के श्रृंगार वर्णन से संबंधित व्याख्यान के पहले भाग को आयोजित करेंगे। महाकवि देव के श्रृंगार वर्णन को जानने से पहले यह हम समझ लें कि देव रीतिकाल के इतने प्रसिद्ध कवि क्यों हैं कि उनको महाकवि तक कहा जाता है। सामान्यतः रीतिकाल के लक्षणकारों में देव का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सामान्यतः केशव के बाद उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि के रूप में रीतिकाल में गिना जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसमें विचारों की स्पष्टता, वर्गीकरण की मौलिकता और उदाहरणों की रमणीयता के कारण बहुत ही द्रष्टव्य जान पड़ते हैं। देव के संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का सर्वाधिक प्रमुख कवि हमें स्वीकार करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी देव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि के रूप में वे इस कारण से स्वीकार करते हैं क्योंकि एक सहृदय और प्रेमी कवि रीतिकाल में सच्चा जो प्रेमी कवि है वह देव ही हमारे सामने ठहरते हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने भी देव की भोरी भोरी प्रशंसा की है। उनके अनुसार देव कवि और आचार्य तो दोनों ही हैं लेकिन उन्होंने श्रृंगार रस को प्राथमिकता देने के कारण से उनके भावों में एक मौलिकता आई और जिसमें अश्लीलता या निर्लजता कहीं भी हमें नज़र नहीं आती है। ये सब जो विद्वानों के दोनों विद्वानों के जो कथन हैं वह देव को एक रसवादी कवि तो ठहराते ही हैं, साथ ही देव के काव्य में हृदय पक्षी प्रधानता को भी स्वीकार करते हैं। हम देव के श्रृंगार वर्णन को अभिव्यक्त करने से पूर्व देव के सामान्य परिचय और उनके ग्रंथों का जानकारी हमें आवश्यक है। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के एक प्रमुख कवि हैं और जिनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा शहर में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। देव अपने बचपन से ही प्रतिभा संपन्न कवि थे और सरस्वती की एक विशेष कृपा उन पर थी और 16 वर्ष की आयु में इसी कारण उन्होंने अपनी काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। देव अपनी निर्भीकता, स्पष्टवादिता के कारण भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और इसी कारण इनको केवल एक राजा के यहाँ नहीं बल्कि अनेक राजाओं के यहाँ उनको शरण लेनी पड़ी क्योंकि ये इतने निर्भीक और स्पष्टवादी थे कि अपनी बात को बिल्कुल निस्संकोच प्रकट कर देने के कारण कई बार उनको अपना आश्रयदाताओं का शरण स्थल भी बदलना पड़ा। ये आजम शाह, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, भवानी दत्त वेश्या, अकबर अली खां आदि कई राजाओं के आश्रयदाता, कई आश्रयदाताओं की शरण में वे रहे। देव की अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है। कई विद्वानों ने उनकी रचनाओं को 52 कहा है तो कुछ ने उनकी रचनाओं को 72 कहा है, किंतु जितनी भी रचनाएं उनकी मिलती है उन सब में जो प्रमुख रचना है उसमें भाव विलास अष्टयाम और जाति विलास रस विलास, रसानंद शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, भवानी विलास, देव माया प्रपंच नाटक आदि प्रसिद्ध हैं। देव ने अनेक जो रचनाएं अपनी लिखी है उसमें उनकी विशालता का हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसे कवि जिसके ग्रंथों की संख्या विद्वान तय नहीं कर पा रहे हैं कि 52 से लेकर 72 तक है कितनी, उससे स्पष्ट हो जाता है कि देव रीतिकाल के कितने प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि देव ने अपने आचार्यत्व का निर्वहन भी रीतिकाल के अंतर्गत किया है और सामान्यतः उसका कारण यही है कि रीतिकाल में जितने भी कवि वे हैं उन्होंने आचार्य की रीतिबद्ध परंपरा का अवश्य पालन किया।
देव ने भी अपने काव्य निर्णय ग्रंथ में काव्य के सभी अंगों पर विचार किया और लक्षण ग्रंथ की रचना करके इस बात को प्रमाणित किया कि उनमें आचार्यत्व का किसी प्रकार से अंश कोई कम नहीं है। देव का आचार्यत्व लेकिन उनके काव्यत्व के आगे बिल्कुल नहीं ठहरता है, हमें इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखना चाहिए और इसी कारण से विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की थी। आचार्यत्व का निर्वहन तो उन्होंने केवल राज्यसभा में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने या सम्मान प्राप्त करने के लिए ही इस इच्छा से उन्होंने आचार्यत्व का एक बाना धारण किया था। सामान्यतः इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव को आचार्यत्व की दृष्टि से कोई विशेष स्थान नहीं देते हैं, किंतु उनके काव्यात्मकता के दृष्टिकोण से उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उनकी काव्यात्मक सरसता, परिष्कृत सौंदर्य, मौलिक बोध, उद्भावना शक्ति और भावुक संवेदना की वे भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देव मूल रूप से जितने भी हमने देव के जो ग्रंथों का मैंने आपको नाम बताए, जैसे भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, रसानंद, इन सब ग्रंथों के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि देव मूल रूप से एक रसवादी आचार्य है, जिन्होंने अपने काव्य में सभी नौ रसों का विवेचन तो किया, किंतु सर्वाधिक महत्व उन्होंने श्रृंगार रस को ही दिया था। देव मूल रूप से एक श्रृंगारी कवि ही हैं। पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखें इस बात को कि जो पद दिए हैं इसके अलावा जितने भी देव के अन्य पद हैं उनको भी आप ध्यान में रखें, और परीक्षा में यही प्रश्न मूल रूप से कई बार पूछ लिया जाता है कि देव मूल रूप से एक श्रृंगारी कवि हैं, इसको स्पष्ट करें। इसका कारण यह है कि देव की कविता में श्रृंगारिकता है, वह छिछली नहीं, उसमें एक विशेष गंभीरता दिखाई देती है, इस कारण से यह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। देव ने अपने काव्य में अलंकारों को ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी, वे रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो विभाव अनुभव अरु विवचनी करी रोई, चिति को पूर्ण वासना सुकवि कहत रस सोई, यानी जो रस को प्रकट करता है उसके आनंदमय स्वरूप को, वही काव्य में प्रमुख हैं और वही ब्रह्मानंद सहोदर है। और शब्द रसायन में वे रसों की संख्या को भी बताते हैं। कहने का आशय यह है कि देव ने मन के संवेगों को ध्यान में रखकर सभी रसों का विवेचन तो किया, किंतु उनका मन श्रृंगार में ही अधिक रमा था। देव की जो मूल धारणा है श्रृंगार के संबंध में, उसी कारण से उनका आचार्यत्व उनके कवित्व के समस्त नहीं ठहरता है। देव श्रृंगार भाव में निमग्न कवि के रूप में हमें नजर आते हैं। श्रृंगार रस वर्णन उनकी रसिक मनोवृत्ति के बिल्कुल अनुकूल रहा और श्रृंगार रस का वर्णन विवेचन इतने विस्तार के साथ देव ने किया, उतना विस्तार रीतिकाल के हमें अन्य किसी कवि में बहुत कम देखने को मिलता है। देव का जो श्रृंगार वर्णन विवेचन है वह बहुत हद तक हमें संस्कृत साहित्य परंपरा की ओर ध्यान दिला देता है, जिसमें श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा से मंडित किया गया और देव ने भी उसी का अनुसरण करते हुए श्रृंगार का स्थायी भाव रति और प्रेम की विभिन्न भावों का चित्रण अपने काव्य में किया है। देव मूल रूप से श्रृंगारी कवि क्यों हैं उसको जानने से पूर्व हमें संक्षेप में देव के प्रेम के संबंध में जो विवेचन है उसको हम समझना चाहिए। महाकवि देव ने प्रेम के निस्वार्थ परक जो विवेचन है उसको महत्व देने के कारण ही देव की जो प्रेम संबंधी धारणा है वह उनके काव्य में उच्च, व्यापक और अत्यंत पावन बन पाई। वे प्रेम को काम के अर्थ में नहीं लेते हैं, वे प्रेम को बड़ा व्यापक अर्थ लेते हैं और एक प्रकार से काम को भी बड़ा व्यापक अर्थ में ले लेते हैं। उनका काम इसी कारण से समस्त विश्व में, हमें उनका प्रेम समस्त विश्व में व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। जब देव कहते हैं युक्ति सराही मुक्ति हित, मुक्ति युक्ति को धाम, युक्ति मुक्ति और मुक्ति को मूल सु कहिए काम, देव के काव्य में जो प्रेम का निरूपण है वह अत्यंत आकर्षक है, चाहे वह नायक का हो या नायिका को। उनका प्रेम केवल पल भर का एक संयोग या विलग होना इसमें नहीं दिखाया गया है और इसी कारण से देव रीतिकाल में श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। देव का श्रृंगार पूरी तरीके से प्रेम की प्रेम भावना पर आधारित रहे, कोई विषय वासनाओं पर आधारित नहीं है वह।
प्रेम में भी उन्हें श्रृंगार रस का मूल जो दंपत्ति प्रेम है उसकी उन्होंने विवेचना की है और इस कारण से उनका प्रेम है ना वह उच्च कोटि का बन पाया। देव अपने ग्रंथ प्रेम चंद्रिका में कहते हैं, तब ही लो श्रृंगार रस जब लग दंपत्ति प्रेम, प्रेमहीन त्रिय वेश या श्रृंगारा भास। इसलिए देव ने स्व किया प्रेम को अपने काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया स्थान दिया। पर किया प्रेम में उनके अनुसार वासना ही रहती है और इसी कारण देव का प्रेम रीतिकाल के अन्य कवियों के प्रेम से भिन्नता रखता है, क्योंकि रीतिकाल में अन्य कवि हैं उनके प्रेम में हमें कामुकता अश्लीलता तक नज़र आती है, जबकि देव के प्रेम जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रेम के क्षेत्र में देव एक रससित प्रेम कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा श्रृंगार का महत्व स्थापन निर्जीव सिद्धांत प्रतिपादन नहीं है, वह अनुभूति का आग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र की इस देव के संबंध के प्रेम के संबंध में इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि देव की वाणी में श्रृंगार की महिमा का बहुत उच्च कोटि से बखान किया गया है। जीवन की संपूर्ण साधना मुक्ति के लिए, मुक्ति का जो फल भोग है उसको उन्होंने एक व्यापक अर्थ में यहाँ पर ग्रहण किया देव ने, और उनके अनुसार साधना मुक्ति भोग इन तीनों का मूल काम और काम का काम को उन्होंने बड़े व्यापक अर्थ में लिया था। काम को समस्त विश्व में व्याप्त करते हुए उन्होंने उसकी व्याख्या की अपने काव्य में। देव की जो प्रेम की महिमा है वह अपार है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रेम की अपार महिमा के वे गायक हैं, और इस रस को पीकर देव जो अपने अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, और उसी कारण से रीतिकाल के कवियों में प्रेम का इतना उदात्त दृष्टिकोण जो हमें देव में दिखाई देता है वह अन्य कवियों में नहीं है। अपने रस विलास ग्रंथ में देव कहते हैं कि काम अंधकारी जगत लखन रूप करूप, हाथ लिए डोलत फिरे कामिनी छुरी अनूप, ताते कामिनी एक ही कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस में मेटे मन को भेद। यद्यपि देव आत्मिक संबंध वाले आकर्षण को ही शुद्ध प्रेम मानते हैं, किंतु कुछ पंक्तियों में जैसा मैंने अभी कहा उसमें विलास के प्रधानता की भी वे संकेत देते हैं, लेकिन वो बहुत छिटपुट रूप में हैं। सामान्यतः देव का जो श्रृंगार वर्णन है वह अत्यंत उच्च कोटि का ही हमें नजर आता है। अब हम इस प्रेम के देव की प्रेम के संबंध में जो यह धारणा थी उसके पश्चात अब हम महाकवि देव के जो श्रृंगार वर्णन है उस श्रृंगार वर्णन को व्यापक दृष्टिकोण से अपने इस व्याख्यान में प्रकट करने का प्रयास करेंगे। जो प्रेम की एक निष्ठ धारणा है देव में वह हिंदी के अन्य कवियों में हमें दिखाई नहीं देती, चाहे वह बिहारी है, मतीराम है या पद्माकर है, कोई भी अन्य कवि हैं उन्होंने उस पर दिखाई नहीं देती है। देव और अन्य जितने भी कवि हैं उन्होंने सभी ने श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया, किंतु देव ने जिस उत्कृष्टता के साथ अपने काव्य में उसको वर्णन किया है उसके कारण से देव राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण के माध्यम से ऐसा भक्ति की ऐसी भावना प्रकट कर देते हैं प्रेम के क्षेत्र में कि वह भक्ति भावना में एक प्रकार से जैसे हमें बदलती हुई नज़र आने लगती है। हम देव के इस श्रृंगार वर्णन को प्रकट करें उसके लिए ये आवश्यक है कि देव ने रूप सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। रूप अथवा सौंदर्य की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं अनेक परिभाषाएं हिंदी साहित्य में दी गई है, फिर भी उसे बांध सकने में मानव वाणी हमेशा एक प्रकार से असमर्थ ही रही, और वाणी की दीनता और हीनता की परिभाषा करते समय हमें भली भांति यह प्रकट हो जाता है कि सौंदर्य एक अनिर्वचनीय तत्व है, और उसी को देव ने भी ऐसा ही ग्रहण किया। वे अपने रस विलास में कहते हैं कि देखत ही जो मन हरे सुख अखियान को देह, रूप बखाने ताही जो जग चेहरी करी ले। यानी देव ने स्पष्ट रूप की परिभाषा को एकदम उच्च कोटि के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। वे कहते हैं कि जो इस अर्थ में वे कह रहे हैं इस पद में कि जो देखते ही मन को हर ले, आंखों को सुख दे, देखते ही जो मन हरे सुख अखियायन को दे और आंखों को सुख दे, जगत को वश में कर ले, रूप बखाने ताही जो जगत को वश में कर ले, उसे ही देव ने कहा वही रूप कहलाता है, वही रूप सौंदर्य कहा जा सकता है।
कहा जाता है। रूप के प्रति देव की यह अनुभूति परक जो सौंदर्य व्याख्या है वह सौंदर्य के शाश्वत और सार्वभौम गुण से अभिभूत मानी जा सकती है। देव के रूप वर्णन के कुछ मनोरम जो चित्र हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पर, कि धार में धाएँ फंसी निर्धार है, जाएँ फंसी उक्सी न उबेरी सो, री अंगराय गिरी गहरी गिरी फिर फेरे फिरी न गिरी नहीं गेरी, देव कछु अपनो बसना रस, लालच लाल चिते बैचेरी, बैगी हूँ बूढ़ी गई अंखियाँ, अंखियाँ मधु की मक्खियाँ भईचेरी। यह वर्णन देव क्या स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक जो मुग्धा नायिका है वह किस तरीके से अपने रूप सौंदर्य में आकर्षित होता है। जब देव कहते हैं कि जबते कुंवर काने रावरी कला निदान, काम परिबानो बाके जुसस कहानी की, तभी ही तो देव देवता सी हंसती सी, खींचती सी, रींचती सी, रूसती सी, रिसानी सी, छोई सी, छली सी, छिन्नी झिलनी सी, छकी सी छिन, जकी सी चक्की सी, लागी थकी थे रानी सी, बिदी सी बदी सी, बुस बूढ़ी भी मोहित सी, बैठी बाल बकती बेलोकित भी कहानी सी। हमने देव के इस अपने पाठ्य पुस्तक में ये जो पद है उसकी अच्छी तरीके से हमने व्याख्या की कि किस प्रकार एक नायिका अपने नायक के सौंदर्य को देख करके वह एक टक जैसे रह जाती है और कई बार वह खींचती है, रींचती है, रूसती है। तो यहाँ देव ने जो रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वह उनके श्रृंगार की, संयोग श्रृंगार की कीड़ाओं को और वियोग श्रृंगार की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। अगले व्याख्यान में अब हम देव के संयोग और वियोग जो श्रृंगार की जो अनुभूतियां हैं उसका चित्रण करेंगे।